यदि ये प्रश्न हमारे राज्य के हित के विषय में है तो हमें स्वीकार है। राज्य का हित तो हमारे महाराज भी सोचते हैं, किंतु दोनों महाराज एक साथ अभिषेक, ये हमारे महाराज कदापि नहीं करेंगे। रहने दीजिए, हम नहीं चाहते हमारे कारण एक शुभ घड़ी व्यतीत हो जाए। परंतु महाराज। क्या परंतु 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 है? अब दोनों सहमत हैं तो आप कलह समाप्त करने की अपेक्षा बात बढ़ाने पर तुले हैं। चुप रहिए, चुप रहिए। बताइए अब पूजा कैसे आरंभ की जाए। हाँ बताइए, पूजा कैसे आरंभ की जाए। हमें पता है गुरुजी, आपको विधि नहीं आती। हम बोलेंगे। आप मत बोलिए, हम बोल रहे हैं और जो हम बोल रहे हैं सुनिए आप। विधि आती है, हमें अच्छे से विधि आती है। अब क्या है कि दोनों का रुद्राभिषेक आगे पीछे ना हो जाए तो हमने बड़प्पन दिखाया और अवसर पंडित रामकृष्ण को दिया है। ये वृद्ध पंडित बहुत ज्ञानी लगते हैं। हाँ तो पंडित रामकृष्ण है, प्रारंभ कीजिए, हमने सिखाया था ना, वैसा ही कीजिए। जी गुरुवर, अवश्य। सर्वप्रथम भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र के साथ बाल शिव का स्मरण करते हुए जल से अभिषेक होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब विधि संपन्न हुई। धन्यवाद। धन्यवाद। रुकिए, अभी अभी कुछ शेष है। अब क्या शेष है गुरुवर? महाराज, पंडित रामकृष्ण अभी बच्चे हैं, कच्चे हैं, इन्हें स्मरण नहीं है। एक वस्तु है जिसके बिना रुद्राभिषेक तो क्या बड़ी से बड़ी पूजा भी संपन्न नहीं होती। तो आप हमें बताइए, हम ये पूजा संपन्न करेंगे पवित्र हृदय से, हृदय खोलकर, अधिक से अधिक संभावना अर्थात दक्षिणा देने पर ही पूजा संपन्न होती है। ऐसे महाराज, यदि स्वयं को समर्पण कर दिया जाए तो फिर दक्षिणा की आवश्यकता नहीं रह जाती। क्यों आवश्यकता नहीं होती है? अवश्य आवश्यकता होती है पंडित रामकृष्ण, आप नहीं समझेंगे, आप चुप रहिए। श्रद्धा से दक्षिणा देना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। संभवतः आपके महाराज में इतनी श्रद्धा नहीं होगी, लेकिन हम पूरी तैयारी के साथ यहां पधारे। किसी भी कार्य में कमी छोड़ना कृष्णदेव राय ने भी नहीं सीखा है। ये जगन मोहिनी तो अपने नेत्र महाराज से हटा ही नहीं रही। आप दोनों महाराज ने हृदय खोलकर दक्षिणा दी। धन्यवाद, धन्यवाद। अब इस दक्षिणा को दरिद्रों में वितरित कर देना चाहिए। ठीक है, यही उचित रहेगा। ये समस्त दक्षिणा दरिद्रों में वितरित कर दी जाए। आ,
ये उचित नहीं हो रहा है। आप सत्य कह रहे हैं, ये उचित नहीं है। दोनों को एक दूसरे से दूर रखना अत्यंत आवश्यक है। कैसे खोल रहे थे दोनों एक दूसरे को? हाँ, जैसे दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे। हमें तो ऐसा लग रहा था आलिंगन ही कर लेंगे, कस के भुजाओं में भर लेंगे। आलिंगन भुजाओं में भर लेंगे? हाँ, और तत्पश्चात ची 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 ची, हमें तो बोलने में भी लज्जा आ रही है। क्या बोलने में लज्जा आ रही है? वही जो अम्मा को लगता है। क्या लगता है अम्मा को? यही कि दोनों एक दूसरे से विवाह कर लेंगे। हैं? विवाह? अरे विक्षिप्त हो गई हो क्या शारदा? विक्षिप्त तो वो दोनों लग रहे थे, कैसे एक दूसरे पर डोरे डाल रहे थे। अरे वो दोनों एक दूसरे पर डोरे क्यों डालेंगे, कुछ भी बोल रही हो। उठा लो। क्या उठा लो? आपके नेत्रों पे महाराज की श्रद्धा का जो आवरण पड़ा है ना, उसे उठा लो। हमने देखा है महाराज के नेत्रों में प्रेम। महाराज के नेत्रों में गजपति के लिए प्रेम? वाह। हम महाराज और गजपति की बात नहीं कर रहे। तो किसके विषय में कह रही हो? हम महाराज और जगन मोहिनी की बात कर रहे हैं। जगन मोहिनी? महाराज गजपति की पुत्री जगन मोहिनी और हमारे महाराज। गुड़प्पे, शीघ्र खिड़कियों के पर्दे लगा, चल। हर गुंडप्पे, अपने दोनों कान बंद कर ले, अम्मा और शारदा कुछ भी बोल रहे हैं। यदि किसी ने सुन लिया ना, तो कल का होता युद्ध आज हो जाएगा। परंतु हम सत्य कह रहे हैं। मेरा अनुमान सदैव सत्य होता है, ये मेरी छुपी हुई प्रतिभा है। अपनी प्रतिभा, अपनी कला अपने पास रखो अम्मेश्वरी। मेरा तो अनुमान है कि कोई भूकंप आने वाला है। पंडित रामकृष्ण, भूकंप आ चुका है और अब तो लगता है कि ज्वालामुखी फटने वाला है। क्या हुआ मंत्रीवर? अरे दोनों महाराज आमने सामने हैं, अभी तो केवल शब्दों के बाण चल रहे हैं। ऐसा ना हो कि कहीं तलवारें भी चल जाए। ऊपर से रानियां भी एक साथ शिविर में हैं, उन्हें भी केवल एक कारण चाहिए, लड़ाई के लिए। सावधान, तुम दोनों ने जगन मोहिनी के विषय में दोनों रानियों में से किसी को भी एक शब्द भी बोला तो उचित नहीं होगा। क्या कर लोगे? मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कर क्या लोगे? बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ तो कर क्या लोगे? अरे मैं अपने प्राण दे दूंगा। ओके। उचित बोल रही है। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। क्या नहीं बोलना? कुछ नहीं मंत्रीवर, चलिए कहीं वहां तलवारें ना चलने लग जाएं। चलिए। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि हमारे ओडिशा के दरबार में कोई भी समस्या बिना निवारण के नहीं लौटती। आप तो ये जानकर अचंभित रह जाएंगे कि हमारे राज दरबार में जब भी कोई समस्या आती है, उसके दो तो हल होते हैं, एक नहीं। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, आप और भी अचंभित हो जाएंगे कि हमारे दरबार में मुद्दा आने से पहले ही हमारा दरबान उस मुद्दे का निवारण कर देता है। ये तो कुछ भी नहीं है, आपको ये जानकर उससे भी अधिक आश्चर्य होगा कि हमारे राज दरबार में जो भी समस्या आती है वो अपने आप ही सुलझ जाती है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो कभी कभी अपराध सुनने से पहले ही मृत्यु दंड दे देते हैं। मुद्दा सुने बिना ही मृत्यु दंड? मतलब हमें ये आभास हो जाता है कि दोषी कौन है तो हम मृत्यु दंड दे देते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, कभी कभी तो हम सप्ताह में 3-4 मृत्यु दंड घोषित कर देते हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। हम तो हर प्रहर में बस मृत्यु दंड देते रहते हैं। हमारा तो जब भी मन होता है हम किसी ना किसी को मृत्यु दंड दे देते हैं। अरे हमारी तो उंगली जिसकी ओर उठती है हम तो उसी को मृत्यु दंड दे देते हैं। इसके स्थान पर वो बुढ़ा पंडित होता तो और भी अधिक आनंद आता। आपको तो अपनी उंगली उठानी पड़ती है, हमारे तो केवल दृष्टि ही पर्याप्त। आज देखेगा यहाँ पर इस कक्ष में जो भी सर्वप्रथम आएगा और जो भी हमें दृष्टिगत होगा उसे हम मृत्यु दंड दे देंगे। अरे आप क्या देंगे मृत्यु दंड? व्यक्ति आपके राज्य का हो या हमारे राज्य का, मृत्यु दंड तो हम देंगे।
देखते हैं। हाँ हाँ देखते हैं, अगले व्यक्ति को आने तो दीजिए। रुकिए। आपने जो किया अच्छा नहीं किया पंडित रामकृष्ण, अब देखो हम क्या करते हैं। मैंने क्या किया गुरुवर? अरे सारी दक्षिणा बिटवा दी। विदित है, एक ब्राह्मण के लिए दक्षिणा कितनी महत्वपूर्ण वस्तु होती है। हाँ विदित है, विदित है, परंतु वो समस्त भी तो दरिद्र ब्राह्मण थे ना। तो क्या हुआ, हमें तो नहीं मिली ना, उचित नहीं किया तुमने। नहीं गुरुवर, आपने नेकी का कार्य किया है, पुण्य तो आपको भी अवश्य मिलेगा। सत्य वचन। अरे क्या सत्य वचन, सत्य वचन, हम क्या आचार डालेंगे पुण्य का? सारा आश्रय तो तुम ले जाओगे। नाना गुरुवर, मैंने कुछ नहीं लिया, और ईश्वर भी तो देख रहा है। हाँ। वो आपको श्रेय में पुण्य अवश्य देगा, मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना चाहते हम। जैसी आपकी इच्छा। रुकिए, त्रुटि पर त्रुटि, अब हमसे आगे निकलोगे? बड़ा कौन? आप। गुरु कौन? आप। तो प्रथम किसे प्रवेश करना चाहिए? आपको। यहीं खड़े रहो। चल मनी, चल 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 चल। पता नहीं इस बुढ़ऊ को बलि का बकरा बनने में इतना आनंद क्यों आता है। अब असली आनंद तो हमें आएगा। हम हैं महारानी तिरुमलम्बा, महाराज कृष्णदेव राय की छोटी महारानी। और हम हैं महारानी चिन्ना देवी, महाराज कृष्णदेव राय की बड़ी महारानी। हम हैं पद्माल्या, एकमात्र महारानी। ये है हमारी प्यारी सुपुत्री राजकुमारी जगन मोहिनी। हमारा तो हृदय कर रहा है अभी बता दें। मेरा भी, परंतु हमें नियंत्रण रखना पड़ेगा, अन्यथा रामा अपने प्राण दे देगा। जितनी रूपवती है उतनी सुंदर मुस्कान, उतनी सुंदर पोशाक और उतने ही मनमोहक आभूषण। ये देखो अनेक प्रांत के रत्न। ओह, हमारे तो हर आभूषण में हर प्रांत के रत्न होते ही हैं। अभी तो महारानी तिरुमलम्बा के पास तो विदेशों से आए रत्न भी हैं। हाँ, परंतु हमें तो ज्ञात नहीं है। देखिए, इतने हैं कि इन्हें ये ज्ञात ही नहीं है कि इनके पास कितने आभूषण हैं। महारानी तिरुमलम्बा, आपको ये तो स्मरण होगा ना कि महाराज ने जो हमें नौलख का हार दिया था वो हमने कहाँ रखा है? क्या, महाराज ने आपको नौलख का हार दिया था और हमें नहीं दिया? देखिए, पुनः भूल गई। महाराज इतने उपहार देते रहते हैं ना, इसीलिए। अरे दान तो हमारे राज्य में किया जाता है, बोरे भर के मोतियों और रत्न दिए जाते हैं। अब कली पूजा में आने से पहले महाराजा ने राजकुमारी के हाथों 100 बोरे मोतियों दान किए हैं। देखो ना, आज भी राजकुमारी के हाथ में पीड़ा है। हम भी बहुत दान करते हैं, पिछले सप्ताह ही हमने करेले के लड्डू बनाकर दान किए थे। बस, अरे हमारे हाथ के काली मिर्च के बने लड्डू खाकर तो लोग अपनी उंगलियां काट लेते हैं। काली मिर्च के लड्डू? लगता है दोनों बिछड़ी हुई बहने हैं। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों के बीच में जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। दीदी, 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 आप हमसे बड़ी हैं तो दीदी बोलेंगे ना। इसने तो रिश्ता बनाना भी आरंभ कर दिया। अम्मा पूर्ण तैयारी के साथ आई है, अब देखो कैसे अपना चाल बिछाते हैं। अब आप गाती भी हैं? ये हमारी छिपी कला थी, अभी अभी आरंभ किया है। हम भी गाते हैं, यदि आपकी अनुमति हो तो हम साथ में अभ्यास कर सकते हैं, आपको कोई आपत्ति ना हो तो। हम आज से ही अपना अभ्यास आरंभ करेंगे। इनमें भी मित्रता हो गई, ये भी विपता को गले लगा रही है, अब तो इन्हें बताना ही होगा। परंतु रामा, रामा से कौन भयभीत होता है? उल्टा वो मेरी लाठी से भयभीत होता है। आइए हम आपको हमारा तानपुरा दिखाते हैं। चलिए हम अपने अपने स्वामियों को भोजन प्रतियोगिता के बारे में बताते हैं। चलिए, अब क्या बचेगा अम्मा? तानपुरा नहीं, अब या तो शहनाई बजेगी या
युद्ध का शंख? हमें तो देखने की भी आवश्यकता नहीं है, हम तो केवल उस व्यक्ति की आहट से उसे मृत्युदंड दे देंगे। सर्वप्रथम जो भी इस कक्ष में आएगा उसकी आहट सुनकर हम उसे मृत्युदंड दे देंगे। आपको मृत्युदंड दिया जाता है। मृत्युदंड? मृत्युदंड क्यों 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 क्यों? गुरुजी, आप तो यहाँ पे आए थे पंडित रामकृष्ण को दंड दिलाने, उल्टा आपको ही दंड मिल गया। वो भी मृत्यु दंड? गुरुजी, मृत्यु दंड? मामा महामंत्री, इनको मृत्यु दंड दो। महामंत्री तिवारसु, इन्हें दंड हमारे राज्य में दिया जाए। तुमने अपराध क्या किया है? हमने तय किया था कि जो भी सर्वप्रथम भीतर आएगा हम उसे मृत्यु दंड देंगे। हमने किया था, मृत्यु दंड भी हम ही देंगे, ये हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। गुरुजी, महाराज की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, स्वीकार कर लीजिए मृत्यु दंड, प्यार से कर लीजिए। इनका मृत्यु दंड हमारी ओर से निश्चित है, ये हमने निश्चित किया है। परंतु आप दोनों एक साथ एक ही व्यक्ति को मृत्युदंड कैसे दे सकते हैं? सत्य कहा, मृत्युदंड की प्रतीक्षा कौन करेगा? हम अभी इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। टुकड़े तो हमारी तलवार से होंगे। हम कोई तरबूज है जो हमारे टुकड़े टुकड़े होंगे? महाराज नहीं। पंडित रामकृष्ण, आप हमसे इतने ऊंचे स्वर में बात कर रहे हैं, इतनी उत्दंडता, इतना साहस, इतना दुस्साहस। क्षमा करें महाराज, मैं तो केवल आपको अनर्थ करने से बचा रहा हूँ। कैसा अनर्थ पंडित रामकृष्ण? ये हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, टुकड़े तो हमारी तलवार से ही होंगे। थे अभी साथ साथ है। हाँ, आपको कष्ट करने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है महाराज, आज आप दोनों को तय करना है कि हम दोनों में से पाक कला में कौन अधिक निपुण है। नहीं नहीं। हाँ, क्या कहा? सही, ये लो, सुनाई तो वही देगा ना जो सुनना चाहती है। सत्य वचन, सत्य वचन। हाँ, सही तो कहा है। हमारे स्वामी ना कह ही नहीं सकते, भूखे और क्लांत जो है। भूखे हैं तभी तो ना बोल रहे हैं। कहीं आपके हाथों से बना भोजन देखकर भूखी ना मर जाए हमारी। कहीं आपके भोजन की सुगंध से विजयनगर वाले मूर्छित ही ना हो जाएं। प्रतिदिन हम बलिदान देते हैं, आज इनकी बारी। प्रतिदिन हमारी चयन शक्ति की परीक्षा होती है, आज इनकी होगी। हमें स्वीकार है, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? हमारी भी एक शर्त होगी। क्या? हमारी महारानी जो भोजन बनाएगी उसे हम ग्रहण नहीं करेंगे, अर्थात हम नहीं करेंगे, आप करेंगे महाराज, आप। ठीक है ठीक है, हमको स्वीकार है, स्वीकार है। हमें भी स्वीकार है। स्वीकार है, हमारी भी यही योजना थी। हाँ, अरे पहले क्यों नहीं बताया। पंडित रामकृष्ण, इन्होंने तो युद्ध कराने का निश्चय ही कर लिया है, अब इन्हें कैसे रोकेंगे? हाँ, तो जैसे ही भोजन तैयार हो आप हमें सूचित कीजिए। जी महाराज, चलो। रामा, तू युद्ध रोकने चला था, अब तो महायुद्ध छिड़ जाएगा। जब गजपति प्रताप रुद्रदेव को महारानी तिरुलम्बा के हाथों का बना भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। बता रही है।
गुरुवर, एक बार तो आपके प्राण तलवार और फांसी से बचा चुका हूँ, दूसरी बार कैसे बचाऊंगा? दूसरी बार सोचिए, महाराज गजपति ने महारानी तिरुमालंबा के हाथ का भोजन ग्रहण कर लिया तो क्या होगा? क्या होगा? भोजन करेंगे, तत्पश्चात पेट पकड़ कर वन की दिशा में भागेंगे, क्योंकि यहाँ तो की व्यवस्था है ही नहीं। ऐसा कदापि नहीं होगा, उसके पश्चात तलवारें निकलेंगी, युद्ध होगा, और यदि युद्ध हुआ तो मामा महामंत्री की तलवार सर्वप्रथम किस पर चलेगी? किस पर चलेगी? तलवार तो आपकी गर्दन पे ही चलेगी गुरुजी। और यदि उनके तलवार से बच भी गए तो महाराज गजपति की तलवार से कैसे बचेंगे? उनके तलवार का एक ही वार और आपकी गर्दन पृथक। ईश्वर, संकट पर संकट, संकट पर संकट, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हाँ। ये कौन सा ग्रह है जो हम पर वक्र दृष्टि डाल रहा है? हाँ। गुरुजी, आप पर जो अपनी वक्र दृष्टि डाल रहा है ना, ये है वो दुष्ट ग्रह। देखिए, ये ग्रह नहीं, ये तो धूमकेतु है, इसे तुम अभी मार्ग से हटा देंगे। अंतिम अवसर है, प्रसन्न हो लीजिए गजपति जी, आज के पश्चात आपके जीवा को कोई स्वाद याद नहीं रहेगा। मुस्कुरा लीजिए कृष्णदेव राय जी, आज के पश्चात तो आप भोजन के नाम से भी भयभीत हो जाएंगे। गुरुवर, भोजन आ गया, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। रुकिए रुकिए रुकिए, महाराज क्षमा कीजिए, हमें खेद है कि इस भोजन कार्यक्रम को रोकना होगा। हम बोलेंगे। हमारी गणना के अनुसार महाराज, ग्रह नक्षत्र उचित नहीं है, और ऐसा तब होता है जब कोई कड़ा प्रेमी धूमकेतु ग्रहों के बीच में आकर उत्पात मचाता है। ये संभव नहीं है, आपकी गणना त्रुटिपूर्ण है। आप हमारी विद्या को चुनौती दे रहे हैं? बिल्कुल चुनौती दे रहे हैं। आप एक बात बताइए कि आकाश गंगा में सूर्य के इर्द गिर्द ग्रह सीधी दिशा में चल रहे हैं या विपरीत दिशा में चल रहे हैं? अब आकाश गंगा में घूम कैसे घूम रहे हैं? वो घूम रहे हैं क्या? अब देखिए, अब चाहे सीधी दिशा में घूमे या विपरीत दिशा में घूमे, वो जैसे चाहे घूमे, उनकी इच्छा है, हमें क्या लेना देना है, हम कैसे बोले? तो फिर मत बोलिए ना, यही तो हम कह रहे हैं आपको। गुरुवर, ये किस प्रकार के व्यर्थ वाद विवाद में पड़े हुए हैं आप दोनों? किसी का आदर सत्कार करने हेतु ग्रह नक्षत्रों की क्या आवश्यकता है? हमें पूर्ण विश्वास कि महाराज को हमारी महारानी जी के हाथ का भोजन पसंद आएगा, अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। महारानी तिरुमलंबा, आप तनिक महाराज को भोजन तो परोसिए। जी महाराज। महारानी पद्मालय जी, आप भी कृष्ण देव राय जी को भोजन परोसिए। जी महाराज। अब रुकिए, सबसे पहले सर्वप्रथम महाराज के हस्त प्रक्षालन तो करा दे। अवश्य। वाह, कितनी सुशील है। सत्य कहा, गाते भी अच्छा है। जाइए जाइए, शीघ्र जाइए। पंडित रामकृष्णा जी, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये राजकुमारी क्या कर रही है? वही जो नहीं करना चाहिए। गुरुवर, मुझे तो हर क्षण युद्ध सुनिश्चित होता प्रतीत हो रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ से
पलायन करने का समय आ गया। हाँ, मैं भी युद्ध शुरू होने के पूर्व तेनाली गांव लौट जाऊंगा। किंतु हम कहाँ जाएंगे गुरुजी? हमारा तो विजयनगर के सिवा और कोई ठिकाना भी नहीं है। हमारा भी। ये हो क्या रहा है और कितना हस्त प्रक्षालन करवाएंगे ये? राजकुमारी, राजकुमारी, कितना हस्त प्रक्षालन कराओगी? उनका हो गया लगता है, हम भी तो प्रतीक्षा में हैं। जी। पुत्री, पुत्री, जल समाप्त हो गया? जी। महाराज, भोजन आरंभ कीजिए। अवश्य। वाह, वही मुख मुद्राएं हैं महाराज के मुख पर जो हमारे हाथ का भोजन ग्रहण करते समय महाराज के मुख पर होती है। क्या होता है, आप भी हमारी तरह स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हैं। हमें प्रतीत होता है आप भी हमारी तरह उत्तम भोजन बनाने में निपुण हैं। देखिए, महाराज का मुख भी वैसे ही खिल गया है जैसे हमारे हाथ का भोजन खाने के बाद खिल जाता है। महाराज, भोजन स्वादिष्ट है? कहीं भोजन बदल तो नहीं गया? महाराज, आपके पास नीम की चटनी, ज्वार की खिचड़ी, बाजरे की खीर और मसूर दाल के आटे की पूरी आई है ना? हाँ, आई है, आई है। और महाराज, आपके पास करेले का अचार, गेहूं का पुलाव, राई के लड्डू और चोकर के पराठे आए हैं ना? जी, हमारे पास ही आए हैं। अर्थात उचित भोजन आया है दोनों के पास। खास तो ये हुआ उड़ीसा नरेश कि हम दोनों एक ही नौका में सवार हैं। ग्रहण कीजिए। आप भी ग्रहण कीजिए। जी, इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। अब और अत्याचार सह नहीं होता, क्या करें? जितना ग्रहण कर सकते कर लीजिए, इसके पश्चात हम दोनों पलायन कर जाते हैं वन की ओर। हाँ, वही करना पड़ेगा। प्रसन्न है दोनों, अर्थात दोनों को भोजन बहुत पसंद आया है। पंडित रामकृष्णा, ये युद्ध होते होते मित्रता कैसे हो गई? मित्रता नहीं गुरुवर, ये तो सहानुभूति प्रतीत होती है। प्रतीत होता है दोनों महारानियां भोजन बनाने में एक जैसी निपुणता रखती हैं। हाँ। महाराज, और भोजन लाए? नहीं, हमें आवश्यकता नहीं है, हमारा पेट तो भर गया है, हम नहीं खा पाएंगे। अब इनको बाजरे की खीर खिलाइए महाराज को। नहीं 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 नहीं, हमारा तो गले तक पेट भर चुका है, एक निवाला भी और अंदर नहीं जाएगा। नहीं जा पाएगा। महाराज, आपने ये बताया ही नहीं कि खाना कैसा लगा। हमें तो ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे बुरा खाना बनाने की प्रतियोगिता थी। हाँ। क्या पूरा खाना बनाने की प्रतियोगिता ऐसा प्रतीत हो रहा था हमें? महाराज, ये आपको आज ही बताना होगा कि किसका भोजन अधिक स्वादिष्ट है। फंस गए दोनों। हाँ? उसी मत नहीं तो हम दोनों फंस जाएंगे। परंतु आप दोनों को हम में से किसी एक का नाम तो लेना होगा ना कि हम दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। ये बताएंगे हम कैसे बता सकते हैं? पंडित रामकृष्णा, गुरुवर, ये दोनों बिना पक्षपात किए बता पाएंगे कि किसका भोजन अधिक अच्छा था।
महाराज मेरे मुंह में तो छाले हैं छाले, मुझे तो स्वाद समझ में नहीं आएगा। गुरुवर गुरुवर बताएंगे गुरुवर। व्रत है हमारा, व्रत है महाराज, हम नहीं खा सकते, हम कैसे खाएंगे? मामा महामंत्री ये तय करेंगे, ये कभी तो किसी काम आएंगे। हम बोलेंगे। हाँ बोलिए। अटक गए महाराज। देखिए महाराज, आपको बताना ही होगा कि हम दोनों में से विजेता कौन है। हाँ हाँ, आपको बताना ही होगा। बताना तो होगा। देखा, हमारे स्वामी को हमारे हाथ का भोजन अत्यधिक पसंद है। हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। देखा, हमारी कला भी मिलती है, गुण भी और विचार भी और भोजन भी। निसंदेह निसंदेह निसंदेह। धन्यवाद माँ, धन्यवाद। अब ये क्या कर रही है? वही जो हम तब से कह रहे हैं, दूरी डाल रही है। ये विशेष आपके लिए। नहीं नहीं, शरबत है। हम जानते थे कि माँ के हाथ के बने भोजन को खाने के पश्चात आपको इस विशेष शरबत की आवश्यकता पड़ेगी। इससे स्वाद बढ़ जाता है, जो खाया है वो पच जाता है। अच्छा, लीजिए। नहीं, धन्यवाद धन्यवाद। हमारे विचार से ये शरबत हमें आधा आधा पीना चाहिए, संभवतः आपको भी इसकी आवश्यकता होगी। नेकी और पूछ पूछ। देखा, दोनों ने भर पेट खाया है। हमें तो रोक लिया, अब जो होने वाला है उसे कैसे रोकेंगे आप? रामा, देख रहे हो कहीं आदि शेषागिरी की दिल वाली बात और शारदा का संदेश सत्य तो नहीं होने वाला? जैसे आपके पास शत्रुओं को पहचान कर उनको हृदय से जीतने की कला है। बंधु, तो सब कुछ उल्टा होता प्रतीत हो रहा है। कहीं एक क्षण भर की मित्रता शीघ्र ही शत्रुता में ना बदल जाए। ये अर्धरात्रि में आलाप क्यों कर रहा है? ये तो महारानी चिन्ना देवी की छुपी कला है। ये आलाप नहीं था, चीखा मैं। हम दोनों वाद विवाद कर रहे हैं, आप विघ्न क्यों उत्पन्न कर रहे हैं? तुम दोनों बस व्यर्थ के वाद विवाद में पड़े रहो। मैं यहाँ निद्रा से व्याकुल होकर उठा हूँ, उसकी कोई चिंता नहीं है। नहीं। अच्छा, अब जब आप उठ ही गए हैं तो हमारी समस्या का निवारण कर दीजिए। कैसी समस्या? वो जगन मोहिनी के विषय में हम महारानियों को बताना चाहते हैं, परंतु बता नहीं पा रहे हैं। बहुत अच्छा कर रही हो, मैंने मना किया इसलिए ना। आपकी मना करने से क्या होता है? आपने हमें दूध वाले को उपादान देने से मना किया था ना, हमने माना नहीं। आपने अपनी नई धोती में हमें चावल सुखाने से मना किया था ना, हमने माना नहीं। आपने अपने गमछे से गुंडप्पा को नाक पोंछने के लिए मना किया था ना, हमने माना नहीं। अच्छा, तुम दोनों मेरी एक बात नहीं सुनते है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, परंतु एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे।
जब तुम दोनों मेरी बात ही नहीं सुनते तो मैं तुम्हारी समस्या क्यों सुलझाऊं? हाँ, ठीक है माँ, परंतु अगर हम महारानियों को नहीं बताएंगे तो हमारा पेट दुखना बंद नहीं होगा और फिर हम वो मनमोहक नाटक कैसे देखेंगे जो रानियों के बीच में होगा जब उन्हें जगन मोहिनी के बारे में पता चलेगा। शिव 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 शिव, देखो तो दोनों को केवल मनोरंजन की पड़ी है। छी छी, हमें नमक की भी पड़ी है जो हमने खाया है, उसका ऋण तो उतारना पड़ेगा ना। सत्य है अम्मा, हमें बता ही देना चाहिए ताकि जगन मोहिनी अपने षड्यंत्र में सफल ना हो। परंतु जगन मोहिनी सफल नहीं हुई तो इसमें हमारी ही हानि है। वो कैसे? हमें विवाह में मिलने वाले राजसी वस्त्र, आभूषण और उपहार में से कुछ नहीं मिलेगा ना। कुछ देर पूर्व नमक की पड़ी थी, अब उपहारों की पड़ी है। ये तू नहीं समझेगा, समस्या का समाधान हमें ही ढूंढना होगा। अम्मा, हम इस विषय में रानियों को कुछ नहीं बताएंगे। जगन मोहिनी सफल हो जाएगी, विवाह में मिलने वाले आभूषण आप हमें दे देना और मिष्ठान हम आपको दे देंगे। रामा, इनका कोई भरोसा नहीं है, तुझे ही कोई उपाय निकालना होगा। हाँ बंधु, मुझे शीघ्र महाराज को राजमहल वापस ले जाना चाहिए। आपको इससे क्या मतलब है? हम रात्रि में करें या दिवस में व्यायाम करें? हम अभी फिर जा रहे हैं व्यायाम करने के लिए। बुरा मत सोचिए, नहीं तो फिर से जमकर पिटाई हो जाएगी। ये प्रथम अवसर है जब तुम दोनों ने सच्चे शिष्यों की भांति व्यवहार किया है। हम प्रभावित हुए। वैसे गुरुजी, एक बार में पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं हुआ, पुनः ऐसा अवसर फिर कब प्राप्त होगा बताइए ना। शीघ्र ही, जब इस मूर्ख से हमारा पुनः सामना होगा। परंतु सबसे पहले हमें पंडित रामाकृष्णा से समस्त दक्षिणा दरिद्रों में बंटवाने का प्रतिशोध लेना है। आइए पंडित रामकृष्णा, हम आप ही के विषय में विचार कर रहे थे। पंडित रामकृष्णा, आपसे हम कुछ विचार विमर्श करना चाहते हैं। मुझे भी आपको कुछ सूचना देनी थी महाराज। कैसी सूचना? महाराज, गजपति वैसे नहीं है जैसा हमने सोचा था। पंडित रामकृष्णा, हमारा भी यही विचार है। वो हमारी भांति अपनी धर्मपत्नी के भोजन से व्यथित होंगे, परंतु व्यक्ति वो भी ठीक ही है, वैसे नहीं होंगे जैसा हम सोच रहे थे। नहीं महाराज, मेरा तात्पर्य है कि उनके मस्तिष्क में अवश्य कुछ चल रहा है। अवश्य चल रहा होगा पंडित रामकृष्णा, और वही चल रहा होगा जो हमारे मस्तिष्क में चल रहा है। न जाने दोनों रानियां रात को भोज में क्या बनाते। नहीं महाराज, मेरी शंका कुछ और है, और मुझे लगता है कि सही समय रहते ही हमें निर्णय ले लेना चाहिए। निर्णय तो हम ले चुके पंडित रामकृष्ण, इससे पहले कि हमें महारानी थिरुमलम्बा और महारानी पद्मालय के हाथों का भोजन करना पड़े, हम शीघ्र अति शीघ्र यहाँ से निकल चलेंगे। मैं भी तो यही चाहता था महाराज, आपने मुझे चिंता मुक्त कर दिया, धन्यवाद धन्यवाद। पंडित रामकृष्ण, परंतु आप ऐसा क्यों चाह रहे थे? कि महाराज, मुझे सामने वाले की नीयत सही नहीं लग रही। अर्थात? अर्थात मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि हम यहाँ और रुके तो आप उनके चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, और यदि ऐसा हुआ तो शत्रुता बढ़ेगी और फिर युद्ध भी होगा। इससे अच्छा है कि हम ही यहाँ से प्रस्थान कर जाएं। शत्रुता, चक्रव्यूह? पंडित रामकृष्णा, हम किसी की शत्रुता या किसी युद्ध से भयभीत नहीं होते हैं। यदि ऐसा है तो हम यहीं रुकेंगे और देखेंगे क्या होता है हमारे यहाँ रुक जाने से। नहीं नहीं महाराज, मेरा तात्पर्य कदापि ऐसा नहीं था। नहीं पंडित रामकृष्णा, तुलवा वंश के विजयनगर राज्य के सम्राट है हम। अब हम भी देखेंगे वो क्या चाहते हैं और देंगे उन्हें जो वो चाहते हैं। रामा, अम्मा और शारदा जब तुझे तनाव देते हैं तो तू सदैव मूर्खतापूर्ण कार्य करता है, स्वयं तो फंसता है और मुझे भी फंसा देता है। तुझे अपनी पड़ी है बंधु, मुझे भय है कि कहीं महाराज जगन मोहिनी के सम्मोहन में ना फंस जाएं। महाराज, महामंत्री तैयारियां कीजिए, युद्ध की
हाँ नहीं, ओडिशा प्रस्थान करने की। हम बोलेंगे। हमने बोल दिया है, अब आपको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम बोलेंगे, परंतु महाराज हमें आपके अपमान का बदला लेना होगा। उन्हें पता था कि उनकी पत्नी कैसा भोजन बनाती है, फिर भी वो भोजन आपको खिलाया और आपका सम्मान करने की बजाय आपका अपमान किया गया है। जाने दीजिए ना मामा महामंत्री, हमने भी तो उनके साथ यही किया। वैसे भी उनकी वाली हमारी वाली से अधिक भयंकर भोजन बनाती है। अरे हम उनके साथ क्या युद्ध करेंगे, वो तो प्रतिदिन अपनी भोजन की थाल के साथ युद्ध करते होंगे। उन पर क्रोध आने की बजाय हमें तो उन पर दया आती है। राजकुमारी जगन मोहिनी महाराज कृष्णदेव राय के कक्ष की तरफ क्यों जा रही है? हमें ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से तुरंत उड़ीसा के लिए प्रस्थान करना चाहिए। आप कहते हैं तो अवश्य महाराज, किंतु हमें जाने से पहले उनसे विदा तो लेना चाहिए। हाँ ये उचित रहेगा। कृष्णदेव राय के सम्मान में हम इतना तो कर ही सकते हैं। क्या हम भीतर आ सकते हैं? कदापि नहीं। ऐसे अतिथि को जो अत्यधिक सुंदर हो, इतने समय द्वार पर प्रतीक्षा करवाएंगे आप? नहीं नहीं, आइए। हम आपके लिए विशेष उपहार लेके आए हैं। अच्छा, ये हमारे कोणार्क मंदिर का प्रतीक है। ये हमारे लिए है। धन्यवाद, अद्भुत है, अति सुंदर। और ये हमारी भावना का प्रतीक है। लीजिए और हमारी भावना को स्वीकार कीजिए। प्रणाम महाराज, आप यहाँ इस समय? हम आपके महाराज को कुछ देना चाहते हैं। अच्छा, आप भी? आप भी अर्थात? अरे तो ये देखिए महाराज, आपकी आंखों के समक्ष ये क्या हो रहा है? जैसा आप सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है। सत्य कहा आपने, जैसा हम सोचते थे वैसे आप कदापि नहीं है। अरे हम तो आपको वो सोचते थे, लेकिन आप तो वो निकले। क्या सोचा था और क्या निकले? हम आपको मित्र समझते थे, लेकिन आप तो शत्रु निकले। जो युद्ध नहीं करता लेकिन हमारी पीठ पीछे हमारी पुत्री पर डोरे डालता है। त्रुटि हो रही है आपसे, हम युद्ध भी कर सकते हैं और विजयी भी हो सकते हैं। महाराज, युद्ध के विषय में बात ना करें, अन्यथा उन्हें लगेगा कि आप सचमुच राजकुमारी पे डोरे डाल रहे थे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समस्त संसार को लगेगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों महारानियों को भी लगेगा। हमें कोई फर्क पड़ता है पंडित रामकृष्ण, पड़ता है फर्क। तो हम क्या करें? बात करें।
हम पुनः आपसे कह रहे हैं, आपकी समझ में थोड़ी त्रुटि हो रही है। जी नहीं, हमारे महाराज जो कुछ भी समझ रहे हैं वो एकदम सही है। अब तो युद्ध होकर रहेगा। हाँ तो हो जाने दीजिए युद्ध, हम भाई भाई नहीं होते। अर्थात हमारे महाराज भयभीत नहीं होते। उचित है, अब या तो आप रहेंगे या हम। महाराज जी, आपको इतने ऊंचे सर में थोड़ी पिला सकते हैं, हम तो पिताजी महाराज को संबोधित कर रहे थे। बोलिए, आप क्या कहना चाहती हैं? महाराज, आप इनसे कैसे युद्ध कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते, हम योद्धा हैं, राजा हैं। परंतु इन्हें देखकर इनसे युद्ध करने का मन नहीं करता। आप कहना क्या चाहती हैं, स्पष्ट कहिए राजकुमारी। अब हम ये कहना चाहते हैं कि इतने प्रतापी राजा हैं कि इनसे तो मित्रता करनी चाहिए, शत्रुता नहीं। आप किसका पक्ष ले रही हैं राजकुमारी? आपके पक्ष में है पिताजी, इसीलिए हमारी प्रथा के अनुसार ये हमारे कोणार्क मंदिर का चिन्ह देने आए थे। अच्छा, ये उपहार देना तो हमारे राज्य की प्रथा है। और उपहार प्राप्त करने के पश्चात पुनः उपहार देना हमारे राज्य की प्रथा है। जी महाराज, अब हमारा अवसर है, अब आपको उपहार देना चाहिए। आपके महाराज क्या उपहार देंगे, देना होता तो अब तक दे चुके होते। छोड़िए छोड़िए मामा महामंत्री, हमारे महाराज सामान्य उपहार नहीं देते हैं, सामने वाले को मनचाहा उपहार देते हैं। आपके महाराज जो मांगना चाहें मांगे, मांगिए मांगिए। नहीं नहीं, हम बोलेंगे। अटक गए। बोलिए। अब चलिए चलिए बोलिए। हम बोलेंगे, परंतु आज नहीं बोलेंगे। हमारे महाराज कल प्रातः पूजा के बाद सोचकर बताएंगे कि उन्हें उपहार में क्या चाहिए। उचित है, आप विचार करके हमें बताइए कि आपको भेंट स्वरूप हम क्या दे सकते हैं। हम आपको भेंट अवश्य देंगे। धन्यवाद। ये बुढ़ा सदैव नई समस्या उत्पन्न करता है रामा। हाँ बंधु, पता नहीं कहाँ फंसा दिया महाराज को उस गुरुवर ने, पता नहीं ये क्या मांग ले। ये बड़ा आनंद आता है ना पंडित रामाकृष्ण को दूसरों को मिली दक्षिणा दान देने में। अब देखो पंडित रामाकृष्ण महाराज से क्या दान दिलवाता है ये तथाचार्य। हे माँ, ये क्या हो रहा है? सर्वप्रथम रुद्राभिषेक में विघ्न, तत्पश्चात गुरुवर को मृत्यु दंड देने वाली दुविधा, और फिर भोजन वाली प्रतियोगिता जिसमें युद्ध होते होते रह गया। हे काली माँ, अब क्या होना शेष है, अब क्या होना बचा है इस राज्य में? कहीं ऐसा तो नहीं कि अम्मा और शारदा की बात सच है? राजकुमारी जगन मोहिनी कैसे अपना सुध-बुध खोकर सर्वप्रथम महाराज के हाथ धुलवा रही थी, फिर महाराज को शरबत भी पिलाया, फिर कैसे छुप छुप कर एकटक महाराज को देख भी रही थी, और फिर उपहार में महाराज को कोणार्क की प्रतिमा भी दी। उपहार तो दिया, साथ में गुलाब का फूल भी दिया, और फिर महाराज के हाथ पर पट्टी भी बांधी। राता जाने क्या विपदा आने वाली है। माथा गर्म हो गया है मेरा। गुंडप्पे उधर जा। मने उठ, मने मने उठ, मने मने उठ, चोर 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 चोर, कहाँ 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 चोर? वो देख उस दिशा में भागा जा रहा है, देख देख देख। अरे धनी, अरे वो अपना बुढ़ा, अपने गुरुजी हैं। अरे हाँ, ये तो अपने गुरुजी हैं।
पर अर्धरात्रि को कहाँ भागे जा रहे? मैं भी वही सोच रहा हूँ। चल 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 के देखते हैं, चल के देखते हैं बुड्ढे को। ये बुड्ढा कहाँ गायब हो गया? गुरुजी आप तो हमारे आगे थे, इतने सगरे पीछे कैसे आ गए गुरुजी? क्योंकि हम जानते थे कि तुम दोनों दुष्ट हमारे पीछे अवश्य आओगे। नहीं नहीं गुरुजी, हम तो लघु शंका निवारण हेतु बाहर आए थे। लघु शंका? जी गुरुजी। दोनों को एक साथ। जय गुरुजी, लगी तो हमें भूख थी किंतु हमारा सारा भोजन तो आप खा गए, अतः हम ठीक है अब जैसा हम कहेंगे वैसा नहीं किया तो हम तुम दोनों का रक्त पी जाएंगे। जैसा कहा है वैसा ही करना। चिंता ना कीजिए गुरुजी, आपके साथ रहते रहते हम ऐसे कुकर्मों में निपुण हो गए हैं। जल्दी जल्दी चलिए गुरुजी, कहीं महाराज गजपति सो ना जाए। चलो चलो। मामा महामंत्री, एक बात तो बताइए, आखिर कमी क्या है? आप में कमियां ही कमियां हैं। जैसे कि आप आखेट के लिए जाते हैं तो खाली हाथ लौट आते हैं, जैसे कि आप तलवार बाज बहुत अच्छे हैं लेकिन तीरंदाजी में कच्चे हैं। नहीं नहीं, जैसे कि आप निडर तो हैं लेकिन अंधेरे से भयभीत हो जाते हैं। अरे चुप रहिए, कोई और होता तो हम उसे मृत्यु दंड दे देते। अरे हम ये नहीं पूछ रहे थे कि हमारे अंदर क्या कमी है, हम ये पूछ रहे थे कि हमें किस बात की कमी है जो आपने कृष्णदेव राय से उपहार लेने के लिए प्रातः तक हमें यहाँ पर रोक लिया है। कमी हमें नहीं महाराज, कमी उनमें है जिसे प्रदर्शित करने के लिए हमने प्रातः तक का समय मांगा है, ताकि हम सोच सकें कि हम कृष्णदेव राय से क्या ऐसा मांगे जो वो दे ना पाए। तुरंत बताइए आपने क्या सोचा है। बहुत बहुत अकड़ते हैं ना वो, हम उनका घमंड तोड़ना चाहते हैं। महाराज हमें लगता है बाहर कोई हमारी बातें सुन रहा है। गुरुजी रुकिए, इतनी रात्रि को कहाँ जा रहे हैं आप? मंदिर जा रहे हैं पंडित रामाकृष्णा के लिए प्रार्थना करने। मंदिर पंडित रामाकृष्णा के लिए प्रार्थना करने? परंतु क्यों गुरुजी? पंडित रामाकृष्णा महाराज की सबसे बहुमूल्य वस्तु हैं, राज्य के रत्न हैं महाराज के लिए, महाराज नहीं चाहते उन पर किसी की दृष्टि पड़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी, पंडित रामाकृष्णा से ज्यादा बुद्धिमान तो विजयनगर में दूसरा कोई और है ही नहीं। पंडित रामाकृष्णा के बिना महाराज का कोई कार्य ही संपन्न नहीं होता गुरुजी। गुरुजी वो घटना भूल गए आप, पंडित रामाकृष्णा ने मूर्छावस्था में भी महाराज को बलि पर चढ़ने से बचाया था और बलि पर चढ़ाने वाले आप थे आप। हाँ गुरुजी, स्मरण कीजिए शहंशाह बाबर की विध्वंसकारी योजना, जिसके वशीभूत होकर आप पंडित रामाकृष्णा पे संदेह कर बैठे थे, महाराज से आपने मृत्यु दंड तक दिलवा दिया था, फांसी के फंदे पर चढ़वाने वाले थे, और वही पंडित रामाकृष्णा ही थे जिन्होंने अपनी बुद्धिमानी दिखाई और शहंशाह बाबर से विजयनगर की रक्षा की थी। तुम पंडित रामाकृष्णा की प्रशंसा कर रहे हो या हमारा अपमान कर रहे हो? आपका अपमान गुरुजी? आपका अपमान कैसे कर सकते हैं गुरुजी, पंडित रामाकृष्णा की प्रशंसा कर रहे हैं जैसा आपने कहा था। तुम प्रशंसा करो। यदि महाराज कर्ण है तो पंडित रामाकृष्णा उसके कवच और कुंडल है। महाराज मुख है तो पंडित रामाकृष्णा आभामंडल है। यदि महाराज शरीर है तो पंडित रामाकृष्णा उनके प्राण है। पंडित रामाकृष्णा महाराज की आन बान और शान है। बस कोई माने चाहे ना माने, परंतु पंडित रामाकृष्ण महाराज के वो तीर है जो कभी लक्ष्य से नहीं चूकता। कोई माने या ना माने, पंडित रामाकृष्ण वो ढाल है जिनके होते हुए महाराज कोई छू भी नहीं सकता। ये ढाल हट गई तो कृष्णदेव राय निहत्ता हो जाएगा। अगर इन्होंने पंडित रामाकृष्ण को मांग कर अपनी ढाल बना लिया तो मैं निहत्था हो जाऊंगा। हमने सोच लिया है कि हमें कृष्णदेव राय से क्या मांगना है। बिल्कुल गलत सोचा है। हमारा आशय है महाराज कि आपने बहुत ही शीघ्र सोचा है, और शीघ्र सोची हुई वस्तु अक्सर गलत होती है। नहीं, आप सोचने में विलंब कर रहे हैं। कृष्णदेव राय की ढाल पंडित रामाकृष्ण है, अगर वो हमारे हाथ लग गया तो कृष्णदेव राय शक्तिहीन हो जाएगा और हम शक्तिशाली। ये लगा बाण लक्ष्य पर। कार्य संपन्न हुआ। पे समस्याएं उत्पन्न हो रही है, मैंने मना किया था ना इधर आने के लिए, मेरी बातों का कोई महत्व तो था नहीं, मेरे प्राणों का भी कोई मूल्य नहीं रहा। मैंने कहा था
मैंने कहा था ना, यदि महारानी को कुछ भी बताया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर भी तुम दोनों यहाँ उन्हें बताने चली आई ना। तुम दोनों को मेरे प्राणों से अधिक महारानियों को बताने की पड़ी है ना। देख गुंडप्पे, देख बत्तल लामा, अब लुलाए दातिया। इससे अच्छा ईश्वर मुझे उठा ही ले। उठा लो, उठा लो। देखो देखो देखो, ईश्वर से मुझे उठाने की प्रार्थना कर रही है। नहीं नहीं, हमें उठाने की बात कर रहे थे। अपने पति की बात ना मानकर हम इतना बड़ा घोर पाप करने वाले थे। बस बस बस, चुप जाओ चुप जाओ, रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मुझे वचन दो कि तुम दोनों रानियों को कुछ नहीं बताओगी। मेरे सर पे हाथ रख के गुंडप्पा को साक्षी मानकर अपने पति की सौगंध खाकर कहते हैं कि जगन मोहिनी के विषय में दोनों रानियों से कुछ नहीं कहेंगे। अभी आप ही की सौगंध दे रही है। गुंडप्पे तू भी वचन दे, तू इन दोनों को कुछ भी नहीं बोलने देगा। ठीक है, मैं भी वचन देता हूँ। तुमने घुटने क्यों छू रहा है? अले लामा, तेरे तल तक मेरा हाथ नहीं जाएगा ना, इसीलिए। बज गई घंटी। गुंडप्पे तू इन दोनों को संभाल, मैं भी तैयार होकर दोनों महाराजाओं को संभालता हूँ। पता नहीं गजपति उपहार में महाराज से क्या मांग लेंगे। हाँ, वचन याद रखना, वचन याद रखना, तू भी वचन याद रखना। ये क्या सोचा है आपने उड़ीसा नरेश? आप सोचिए और पुनः सोच लीजिए, क्योंकि जो हम आपसे मांगेंगे क्या वो आप हमको दे पाएंगे? आप हमारे महाराज को नहीं जानते हैं। हमारे महाराज नियमों से श्री रामचंद्र हैं और हृदय से सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं। ये चाहे तो प्राण विदान में दे दे। गुरुवर शांत हो जाए। गुरु शांत, अब क्षमा क्षमा, अधिक बोल गए जी। इन्हें भी अवसर दीजिए बोलने का, इन्हें कहने दीजिए कि इन्होंने क्या सोचा है, क्या मांगना चाहते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए, सोच क्या रहे हैं, बोलिए। हमें हमें न्याय हमें न्याय चाहिए। न्याय? आपको न्याय चाहिए? हमें नहीं, किसी और को चाहिए। हमें न्याय चाहिए महाराज, हमें न्याय चाहिए। हमें न्याय चाहिए महाराज। एक कोतवाल किन को पकड़ कर लिया है। महामंत्री जी कौन है? नगर कोतवाल कौन है ये? महाराज ये दोनों इस धन की पोटली को लेकर विवाद कर रहे हैं। ये कहता है इसका है और वो कहता है उसका है। महाराज समझ में नहीं आ रहा ये किसका है। मैं सत्य बोल रहा हूँ, ये पोटली मेरी है, मेरी जीवन भर की कमाई है। मैंने लोगों के वस्त्र सिल सिल कर एकत्रित किए हैं। नहीं महाराज, ये मैंने चूना लगा लगा के एकत्रित किए हैं। किसको चूना लगाकर इतना धन एकत्रित किया है तुमने? नहीं नहीं गुरुवर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने किसी व्यक्ति को चूना नहीं लगाया। दरअसल मैं तो चूना लेप मिस्त्री हूँ। मैंने लोगों की दीवारों पर चूना लगा लगा के ये धन एकत्रित किया था और मैं थैली लेके अपने इस मित्र के पास चला गया। पर मुझे क्या पता था कि धन देख के ये अपनी नीयत बदल देगा, जैसे ये अपनी सुई में धागा बदलता है। अरे नहीं नहीं गुरुवर, ये झूठ है। मुझे अगर पता होता कि घरों के दीवारों पर रंग बदलने वाला मेरा ये मित्र अपना रंग बदल लेगा तो मैं ये पोटली कभी नहीं निकालता। मेरी मानिए गुरुवर, ये पोटली मेरी है। कैसे मान ले तुम्हारी है? मैंने बचे हुए वस्त्रों से सिली थी। अगर आप चाहें तो मैं अपनी लंगोट दिखा सकता हूँ। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। हम अपने मंत्रों की शक्ति से पता लगा लेंगे ये पोटली किसकी है। हम बोलेंगे और
कोई बोले ना बोले ये अवश्य बोलेंगे। हम बोलेंगे कि इस समस्या का हल आपके मंत्रों से नहीं बल्कि मस्तिष्क की शक्ति से होगा। आ? और वो हम करेंगे। ये हमारे राज्य की दुविधा है, हम हल करेंगे अपने मंत्रों की शक्ति से। नहीं, हम करेंगे अपने मस्तिष्क की शक्ति से। ए बंधु! क्या हुआ रामा, तू चुप क्यों है? ये गुत्थी सुलझा क्यों नहीं देता? इन्हें इस गुत्थी में उलझे रहने दे बंधु, तब तक हमें ज्ञात करने का अवसर मिल जाएगा कि महाराज से उपहार में मांगने क्या वाले हैं। सोच ले रामा, कहीं तब तक शारदा और अम्मा नई उलझन न खड़ी कर दे। नाना, अब वो कोई उलझन नहीं खड़ी करेंगे, उन्होंने मेरे सर की सौगंध ली है। ऐसे कर भी सकती हैं, उनका कोई विश्वास नहीं। हे माँ, ये कहाँ फंसा दिया? विपदा पे विपदा, हर दिशा में विपदा, ये किस बात की परीक्षा ले रही हो तुम? एक बात बोले प्रिय सखी। हाँ बोलिए ना सखी। आप ना बिल्कुल हमारी तरह बुद्धिमती भी हैं और पाक कला की विशेषज्ञ भी हैं। माँ, पाक कला विशेषज्ञ तो दोनों माँ बेटी हैं। एक यहाँ मित्रता पका रही है और दूसरी महारानी के साथ ही पका रही है। सारे उठा लो, कानपुरा उठा लो। ये सुर नहीं, असुर है, असुर नहीं, बस असुर है। अम्मा, ये जगन मोहिनी गाने का सुर नहीं, अपना ही सुर लगा रही है महारानी चन्ना देवी के साथ। बेटी यार क्या हो रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। चुप, पहले हमें तो समझने दे यहाँ क्या हो रहा है, फिर तुझे समझाएंगे। ये जगन मोहिनी महारानी चन्ना देवी को क्या समझा रहे हैं? दीदी, वैसे आपको ज्ञात होगा ना कि संगीत में सात नहीं, आठ सुर होते हैं। अच्छा, वो कौन सा है? वो तो प्रेम का सुर है। प्रेम का सुर? नाम से ही बड़ा प्रिय लग रहा है, उसे कैसे लगाते हैं? वो ना दीदी, कंठ से नहीं लगता, यहाँ हृदय से लगता है। हम आपको सिखा देंगे। हाँ अम्मा, रामा हमारी बात का विश्वास नहीं कर रहा और यहाँ ये प्रेम का सुर लगा रहे हैं। अम्मा, हमें शीघ्र कुछ करना होगा। तो हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते। और मैं बोलने भी नहीं दूंगा, मैंने लामा की तोगन खाई है। हम कुछ बोल नहीं सकते, ये हमें कुछ बोलने नहीं देगा। परंतु ये तो बोल सकता है ना। ये दुविधा हमारे राज्य की है, इसे हम हल करेंगे। इस दुविधा को तो हम ही हल करेंगे अपने मस्तिष्क की शक्ति से। ये हमारे राज्य की समस्या है, इसे हम हल कर लेंगे। हाँ। हमने कहा ना हम हल करेंगे। हमने कहा ना हम हल करेंगे। हम हल करेंगे। हम करेंगे हल। हम हल करेंगे। गुरुवर, मामा महामंत्री, आप इन दोनों का विवाद सुलझाने गए थे लेकिन स्वयं ही विवाद करने लग गए। हमारा ये सुझाव है कि इस गुत्थी को पंडित रामाकृष्ण को सुलझाने दिया जाए। पंडित रामाकृष्ण ने अगर विवाद समाप्त कर दिया तो महाराज अपना निर्णय सुदृढ़ कर लेंगे। महाराज, हमें लगता है कि इस समस्या का समाधान तथाचार्य जी को ही कर लेना चाहिए। आप ये आयु में हमसे बड़े हैं। महाराज ठीक है,
की सहायता मांगी मुझसे। हाथ नहीं चाहिए मूर्खो, हमारा दिव्य कलश दो। हाथ नहीं, दिव्य कलश मांगे हमारे गुरुजी ने, ये लीजिए दिव्य कलश। आज्ञा है महाराज। गुरुवर धन्यवाद। गुरुवर जी महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? हमने इस कलश को अभिमंत्रित कर दिया है महाराज, अब हम इसे घुमाएंगे और भगवान शिव की कृपा से इसका मुख जिस और रुकेगा वो पोटली उसकी, अर्थात वही व्यक्ति सत्य बोल रहा है। इधर आओ। भोलेनाथ की कृपा हम जैसे भोले भक्त पर है, वो चाहते हैं कि ये पोटली हमें मिले। वाह! परंतु गुरुवर, मुद्दा तो ये था कि ये पोटली इन दोनों में से किसकी है, आप कहां से आ गए? अवश्य महाराज, परंतु शिव शंभु चाहते हैं कि हमें मिले तो हमें मिले। ये क्या है? हम बोलेंगे। हाँ तो बोलिए। प्रमाण क्या है आपके पास कि शिव जी ऐसा चाहते हैं? हम जैसे अंतर्यामी महाज्ञानी महापंडित जिनका संपर्क सीधा शिव से है, उनसे प्रमाण मांग रहे हैं आप? जी हाँ, क्योंकि ये न्याय का प्रश्न है। न्याय तो हम दिलवाएंगे, और यदि हम ना कर पाए तो पोटली आपकी। ना ना गुरुजी, मत मानिएगा। बिल्कुल मत मानिएगा गुरुजी। यदि आपके राजा सचमुच न्याय प्रिय है तो वो मुझे भी अवसर देंगे। अवश्य अवश्य, हम भी देखना चाहते हैं कि उड़ीसा के जो महामंत्री है वो कितने ज्ञानी है, कितने बुद्धिमान है। चलो, आज का दिवस तो इसी में व्यतीत हो जाएगा, समय जटिल है। बिल्कुल नहीं, मेरे लामा की टोकन था ये। तू हमें कुछ नहीं बोलने दे सकता, परंतु स्वयं तो तू बोल सकता है ना? नहीं अम्मा, ये नहीं बोल सकता। अरे ये तो बालक है ना, बालक बड़ों के बीच में कहाँ बोलते हैं। मैं बालक नहीं हूँ, बोलू तो मैं बोलू। अगर तू पुरुष है तो पुरुषों की तो अपनी बुद्धि होती है, वो उचित और अनुचित का निर्णय स्वयं ले सकते हैं। वो तो है, वैसे या उचित है अनुचित है? अनुचित होगा हमें बोलने देना, तूने सौगंध खाई है ना, और उचित है स्वयं जाके बोल देना। ये विजयनगर के सम्मान और सुरक्षा का प्रश्न है, जा जाकर बोल। वैसे क्या बोलना है? अब विजयनगर के वासी जीता जागता उदाहरण देखेंगे उड़ीसा की बुद्धि का। मैं अपने मस्तिष्क की शक्ति से इन दोनों के मस्तिष्क की जांच करके ये पता लगा लूंगा कि ये पोटली किसकी है। क्या है? बताते हैं। चलिए चलिए। हमारे मस्तिष्क की शक्ति कह रही है कि इस पोटली में बंधा हुआ धन और तुम्हारा मन एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। यदि पोटली चाहिए तो बताओ हमें क्या दोगे? एक चौथाई। हमारा मस्तिष्क कह रहा है कि इस पोटली में बंधा हुआ धन और तुम्हारा मन मेल नहीं खाते हैं। ये पोटली चाहिए तो बताओ हमें क्या दोगे? एक तिहाई। महाराज, ज्ञात हो गया है कि ये पोटली किसकी है।
इस पोटली पर लगा हुआ ये चूना बता रहा है कि ये पोटली पोटली मेरी है। ये पोटली मेरी है महाराज, ये पोटली मेरी है महाराज। प्रणाम महाराज, इस प्रकार मध्य में आने के लिए क्षमा चाहता हूँ, पर ये पोटली मेरी है। ये आया तीसरा उम्मीदवार। ऐसा प्रतीत होता है ये विवाद शीघ्र नहीं सुलझने वाला। मेरे इन विश्वासघाती मित्रों ने मुझसे विश्वासघात करके ये पोटली छीन ली महाराज। क्यों मामा महामंत्री जी, देखिए अपने मस्तिष्क की शक्ति, अनुचित व्यक्ति को पोटली दिलवा रहे थे, और देखिए ये है प्रमाण हमारे मंत्रों की शक्ति का। कलश दोनों की ओर नहीं रुका क्योंकि ये पोटली इनकी थी नहीं। परंतु हम कैसे मान लें कि ये पोटली इसी व्यक्ति की है? मैं सत्य बोल रहा हूँ महाराज, ये पोटली मेरी ही है। मेरे मित्रों ने इसी मंदिर में मुझसे ये पोटली छीनी और मंदिर के पीछे मुझे बांध कर चले गए महाराज। मैं तो एक साधारण सा तेल व्यापारी हूँ। ये पोटली मेरी है महाराज। महाराज, इस पोटली पर तेल के निशान लगे हुए हैं महाराज। महामंत्री जी, आपके कहने का तात्पर्य ये है कि ये पोटली इस तेल वाले की? संभवतः। महाराज, चूना लगा लगा के मेरे फटे हुए हाथों की फटी हुई रेखा की सौगंध। ये धन मेरा है महाराज। जिस तेल से पूरे विजयनगर में भोजन पकता है, मुझे उसी तेल की एक एक बूंद की सौगंध। ये पोटली मेरी है महाराज। नहीं महाराज, मेरी है। महाराज, इन तीनों के चिन्ह इस पोटली पर नजर आ रहे हैं, परंतु ये निर्णय करना कि ये पोटली किसकी है, ये एक गंभीर समस्या है महाराज। कृष्णदेव राय जी, क्या आपके दरबार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस गुत्थी को सुलझा सके? आप तो कहते थे कि समस्या आपके दरबार में आने से पहले ही उसका हल निकल जाता है, लेकिन यहां ना तो समस्या हल होती दिखाई दे रही है और ना ही हल करने वाला मिलेगा। इस समस्या का हल भी अवश्य मिलेगा। जब कोई हल नहीं ढूंढ पाता है तो एक व्यक्ति है जिसके पास हर समस्या का हल अवश्य होता है। पंडित रामकृष्ण को बुलाया जाए।